Hello and a very warm welcome to all my young friends out there. I am Manshi. Today I am going to tell you some very interesting facts about fruits. Fruits are best friends. यानी कि fruits हमारे परम मित्र, हमारे सबसे जो अच्छे friends होते हैं, दोस्त होते हैं, वो fruits होते हैं. वो कैसे? क्योंकि fruits आपकी सेहत बनाते हैं और अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप हर काम मन लगा के और अच्छी तरीके से कर सकेंगे. तो आज हम फ्रूट्स के ऊपर ही काफी सारी जानकारियां हासिल करेंगे. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कितने सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं. सबके अलग अलग अपने मनपसंद फ्रूट्स होंगे. किसी को मैंगो पसंद होगा, किसी को स्ट्रॉबेरीज, किसी को अमरूद गुआवा पसंद होगा. तो ऐसे ही आप लोग को अलग अलग फ्रूट्स जरूर पसंद होंगे. तो बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत ही मजेदार सा जो है वीडियो देखेंगे. इस वीडियो को देख के आपको बहुत मजा आएगा. तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं. बच्चों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? जरूर पसंद आया होगा, बहुत ही मजेदार सा वीडियो था. अब आइए हम देखते हैं कुछ फ्रूट्स के नेम. फ्रूट्स के नेम वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनके नेम हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले है पॉमीग्रेनेट. पॉमीग्रेनेट कहते हैं अनार को. पीच यानी आड़ू. गुआवा अमरूद. इसका प्रोनंसिएशन मैं कैसे कर रही हूँ इंग्लिश में, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा. गुआवा अमरूद. टैमरिंड यानी इमली. इमली जो आप खाते हो खट्टी खट्टी सी, उसको इंग्लिश में टैमरिंड बोलते हैं. क्रैनबेरी यानी करोंदा. जुजुबे यानी बेर. फिर ये एक साइंटिफिक नाम है, गंगा इमली या जंगल जलेबी, इसका नाम है पिथे सेलोबियम डल्स. वॉटर चेस्टनट यानी सिंघाड़ा. सिंघाड़ा जो आप खाते हो ना, तो उसको बोलते हैं वॉटर चेस्टनट. एप्रिकोट खुबानी.
एप्पल, सेब, पाइनएप्पल, अनानास, कोकोनट, नारियल, गूजबेरी, आंवला। आंवला जो खट्टा मीठा सा बहुत ही मजेदार लगता है, चटनी, अचार और कैंडी खाते हो उसको गूजबेरी बोलते हैं। कीवी, कीवी को इंग्लिश में हिंदी में दोनों में कीवी ही कहते हैं बिकॉज ये एक जो है विदेशी फल है। प्लम यानी आलू बुखारा। वुड एप्पल, बेल जो होता है बेल फल उसको वुड एप्पल बोलते हैं। बनाना, केला, चेरी, कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल या शरीफा, एवोकेडो यानी मक्खन फल, ड्रैगन फ्रूट ये भी एक जो है विदेशी फल है, लेमन, नींबू, रास्बेरी यानी रसभरी, स्टार फ्रूट, कमरक, ऑरेंज, संतरा, पपाया, पपीता, वाटरमेलन यानी तरबूज, ब्लैकबेरी, जामुन, फिक फ्रूट यानी अंजीर, मॉन्क फ्रूट यानी साधु फल, सेपोडिला, चीकू, मलबेरी, शहतूत, मैंगो, आम, ग्रेप्स, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी तो हम स्ट्रॉबेरी ही बोलते हैं इसको भी, ब्लूबेरी यानी नील बदरी, जैक फ्रूट, कटहल, मस्क मेलन यानी खरबूजा, पैशन फ्रूट, कृष्णा फल और स्वीट लाइम यानी मौसमी। तो आई एम वेरी मच श्योर कि इसमें कई सारे फलों के नाम आपने पहली बार सुने होंगे, है ना। कई सारे फल ऐसे होंगे जिनके इंग्लिश नाम आपने पहली बार सुने होंगे और कई सारे फल ऐसे होंगे जिनके नाम ही आपने पहली बार सुने होंगे। तो इसके बारे में आप और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं गूगल से। अब देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स के नेम जानते हैं। ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे, जैसे कि बादाम को आमंड्स बोलते हैं, फिर पिस्ता इसको पिस्टेशियो बोलते हैं, रेजिन किशमिश, किशमिश को रेजिन्स बोलते हैं, कैश्यू नट यानी काजू, वॉलनट अखरोट, ठीक है ना, अखरोट को वॉलनट कहते हैं और इसी तरह से खजूर को डेट पाम इस नाम से जाना जाता है। तो अब हम एक पोएम देखेंगे, बड़ी प्यारी सी पोएम है फ्रूट्स पे, द कलर्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट के अलग अलग कलर्स पे है ये। स्ट्रॉबेरीज आर रेड, पीचेस आर ऑरेंज, बनानाज आर येलो एंड पेयर्स आर ग्रीन, ब्लूबेरीज आर ब्लू एंड ग्रेप्स आर पर्पल, फ्रूट इज वेरी गुड फॉर यू, व्हाट आर यू फेवरेट टू। तो इस तरह से अलग अलग कलर्स आपके अलग अलग फ्रूट्स के बताए हैं और एंड में क्या पूछा है कि आपके कौन से दो फेवरेट फ्रूट्स हैं, तो आप फटाफट उनका नाम बताइए। अब देखिए हम क्या करेंगे, बहुत ही मजेदार सी जानकारी है, ईट द रेनबो। आपने रेनबो कभी खाया है? रेनबो कौन खाता है ना, इंद्रधनुष उसको तो कोई नहीं खाता, लेकिन डिफरेंट कलर्ड फूड्स प्रोवाइड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग कलर्ड जो फूड्स होते हैं उसके अलग अलग जो है उसमें पोषक तत्व होते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले आता है रेड कलर, तो रेड कलर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट हेल्थ, कैन लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड कैन लोअर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सम कैंसर्स। यानी कि अगर लाल रंग की फल सब्जियां आप खाते हैं तो इससे एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं जो बहुत जरूरी है अपने हार्ट के हेल्थ के लिए, और इसके साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो होता है और जो कैंसर बढ़ने के रिस्क है वो भी कम होते हैं। तो इस तरह लाल रंग के फूल, लाल गुलाबी रंग के जो फल हैं और जो वेजिटेबल्स हैं वो आप खूब खाइए। फिर अगर हम येलो एंड ऑरेंज की बात करें तो देखिए येलो एंड ऑरेंज प्रोड्यूस हैव अ लॉट ऑफ विटामिन ए विच प्रमोट्स आई हेल्थ एंड विटामिन सी विच सपोर्ट्स योर इम्यून सिस्टम। तो येलो एंड ऑरेंज में विटामिन ए जिससे कि आंखों की हेल्थ में बहुत अच्छा इजाफा होता है और विटामिन सी होता है जिससे इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्तियां। अगर ग्रीन हम बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लीफी ग्रीन्स आर एस्पेशली इंपॉर्टेंट एंड कंटेन मेनी विटामिंस, मिनरल्स एंड फॉलिक एसिड। तो अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियां और इस तरह के फल खाते हैं तो इसमें जो है बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, फॉलिक एसिड होता है। और लास्ट में ब्लू एंड पर्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसकी बात करते हैं, तो ब्लू एंड पर्पल प्रोड्यूस कंटेन एंटी इंफ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स एंड प्रमोट हेल्दी ब्रेन एंड मेमोरी फंक्शन। तो अगर आप अपनी मेमोरी को, याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं और आपका ब्रेन जो है, जो दिमाग है उसको हेल्दी रखना चाहते हैं, तो खूब सारा ब्लू एंड पर्पल कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाइए।
तो थी ना ये मजेदार सी जानकारी। अब देखिए कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बेस्ट फ्रूट्स फॉर लूजिंग वेट, क्या आपने कभी सोचा है कि ये फ्रूट खाने से हमारा वेट लूज भी हो सकता है, यानी वजन कम हो सकता है? अगर आपका वजन ज्यादा है, आपके घर में किसी का वजन ज्यादा है, तो आप उनको बता सकते हैं कि उनको एप्पल, ग्रेप फ्रूट, पीचेस, कीवी, बेरीज, एवोकेडो, चेरीज, वाटरमेलन, ऑरेंज, ये सारे फल खाने चाहिए। अगर ये फल डेली बेसिस पे खाएंगे तो आपका वेट भी कम होगा, वेट लूज होगा। थी ना मजेदार जानकारी। अब देखिए हम मोर रीजंस टू ईट फ्रूट, और क्या और अनोखे रीजंस है जिसकी वजह से हमें फल और खाने चाहिए। चेरीज हेल्प काम योर नर्वस सिस्टम, यानी कि चेरीज से आपका नर्वस सिस्टम काम रहता है। पीचेस आर रिच इन पोटेशियम फ्लोराइड एंड आयरन, तो पीचेस में पोटेशियम फ्लोराइड आयरन होता है। वाटरमेलन यानी कि जो तरबूज होता है हेल्प्स कंट्रोल योर हार्ट रेट, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। स्ट्रॉबेरीज कैन पोटेंशियली फाइट अगेंस्ट कैंसर एंड एजिंग, अगर आप स्ट्रॉबेरीज खाते हो तो कैंसर जो है आप उससे कैंसर से फाइट कर सकते हो, वो नहीं होगा आपको। और एजिंग यानी कि जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हो, है ना, मम्मी पापा, उनको बोलो कि आप स्ट्रॉबेरीज खाओ, इससे एजिंग के इफेक्ट नहीं होंगे। पाइनएप्पल्स हेल्प फाइट आर्थराइटिस, आर्थराइटिस इज अ डिजीज, एक बीमारी है, तो इससे पाइनएप्पल से उसमें राहत मिलती है। कीवीज इंक्रीज बोन मास, ग्रेप्स रिलैक्स योर ब्लड वेसल्स, एप्पल्स हेल्प योर बॉडी डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, अगर आपको किस तरह से इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होते हैं तो आपको एप्पल्स खाने चाहिए। ऑरेंजेस हेल्प मेंटेन ग्रेट स्किन एंड विजन, अच्छी सी स्किन करनी है आपको और आईसाइट अच्छी करनी है तो ऑरेंजेस, संतरे खाइए। बनानास आर ग्रेट फॉर एथलीट्स बिकॉज दे गिव यू एनर्जी, अगर आप एक खिलाड़ी हैं, खूब खेल खेलते हैं, एथलीट है, तो आपको केले खाने चाहिए, इससे आपको खूब सारी एनर्जी मिलती है। ब्लूबेरीज प्रोटेक्ट योर हार्ट, मैंगोज प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेवरल काइंड्स ऑफ कैंसर, तो कैंसर से सुरक्षा मैंगोज खा के भी हो सकती है। यानी क्या हुआ, दो फायदे हो गए, आप बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे फल भी खा रहे हो, उसका मजा ले रहे हो, और इतनी सारे डिजीजेस से भी बच रहे हो, तो हुए ना आपके पास और रीजन है आपके पास फ्रूट्स खाने के। अब देखिए कुछ रिडल्स देखते हैं, मजेदार सी पहेलियां हैं। हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूं, तो देखिए यहाँ पे रिडल्स दिखे और इधर कुछ फ्रूट्स के पिक्चर्स बने हैं। आई एम येलो, यानी कि मैं येलो हूँ, टेक ऑफ माई पील बिफोर यू ईट मी, तो मेरा छिलका उतार लो इससे पहले कि मुझे खाओ। किसका छिलका उतार के खाते हो आप, तो दैट इज अ बनाना, ठीक है ना। आई हैव अ हार्ड थॉर्नी आउटसाइड, यानी कि मैं बाहर से बहुत ही सख्त हूँ और थॉर्नी यानी काटे हैं मुझमें। माई येलो इन साइड इज सुपर स्वीट, और अंदर से जो मेरा येलो है वो बहुत ही मीठा मीठा है, तो ये कौन हुआ, पाइन एप्पल, है ना, अनानास। आई एम ग्रीन एंड हैव सीड्स इन साइड, मैं हरा हूं बाहर से और मेरे अंदर सीड्स है यानी बीज है। Eat me in your next salad, तो आप मुझे अपने अगली सलाद में खा सकते हो। सलाद में क्या खाते हैं इसमें से, आप कुकुम्बर खाते हो ना, इसको बोलते हैं खीरा, कुकुम्बर इंग्लिश में बोलते हैं। I am orange and grow deep in the soil, मैं ऑरेंज कलर का हूँ और सॉइल में, मिट्टी में अंदर जो है मैं उगता हूँ। यू ईट माई रूट, और आप मेरा रूट खाते हो, तो ये कौन है रूट खाने वाला, यानी कि ये कैरेट, यानी कि कैरेट को आप क्या बोलते हो, गाजर। I have a green hard rind, यानी कि मैं बाहर से बहुत ही सख्त, मेरा एक जो है जो खाल है वो बाहर से ग्रीन कलर की सख्त है। I am usually eaten in the summer, और मुझे ज्यादातर समर में यानी गर्मियों में खाया जाता है, तो ये कौन है, of course this is a watermelon, यानी कि तरबूजा। मजा आया कि नहीं इन रिडल्स में, तो आप ये रिडल्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी पूछ सकते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार सा वीडियो है, आइए उसका लुत्फ उठाते हैं। Eat healthy, stay healthy. Long time ago, a family lived in a city. And grandparents, along with their mummy papa, 8 years old Himanshu and 7 years old Himani, were there in their family. Both the kids were very much fond of junk food. Therefore, they used to eat pizza and burger all the time and refused to eat any fruit or vegetable. No, we don't like vegetables and fruits at all. We like only pizza and burger. But children, if you won't eat vegetables and fruits, then your eyesight will become poor. And you have to wear specs in such a small age.
But they never used to listen to their mother. No, we don't like vegetables and fruits. One day, their mother explained them very lovingly. Our eyesight becomes strong by eating fruits and green vegetables. And if your eyesight becomes poor, then you have to wear specs all the time. Mother's affectionate words convinced Himani to eat fruit and vegetables. Okay, Mom. From now, I will eat fruit and vegetable every day. But Himanshu refused to listen to his mother. No, Mom. I like pizza burger. Therefore, I will eat that only. Now, Mother stopped explaining Himanshu. And many days passed. Himani started eating fruit and vegetables daily. And Himanshu, like before, ate only pizza and burger. One day, Himanshu's teacher asked him in school. Himanshu, come on, solve the question on blackboard. When Himanshu looked at the blackboard, he found everything very blurred. He rubbed his eyes and looked once again. But still, he found everything blurred. Teacher angrily scolded Himanshu when he was unable to answer. Himanshu, are you not able to solve this easy question also? Wait, I'll call your parents to school right now. Teacher left the classroom after saying this. She made a phone call and after some time, Himanshu's mummy papa came to school. I had asked Himanshu very simple question. But Himanshu could not solve as easy question as 2 plus 2. What Himanshu? You don't even know answer of such an easy question? It seems you aren't studying well these days. No, Mom. I know very well. 2 plus 2 adds up to 4. So why didn't you answer your teacher's question? The reason was, I wasn't able to see what's written on board. I told you before, you should eat vegetable and fruits. See, your eyesight became so weak. If like Himani you had listened to me, then your eyesight wouldn't have been so poor. Sorry, Mom. From today I will eat vegetables and fruits daily. By seeing Himanshu's crying like this, his mummy understood that Himanshu has now realized his mistake. She consoled Himanshu and said, It's fine, Himanshu. Stop crying now. But if you eat vegetables and fruits daily, then it may be possible that your eyesight may become perfect again. So till then, I shall buy good spectacles for you. After listening to his mummy papa, Himanshu stopped crying and his father got his spectacles made. Like this, by eating fruit and vegetables, Himani's eyesight remained normal. And by not eating fruit and vegetables, Himanshu had to wear spectacles. बच्चों कैसी लगी ये स्टोरी? हिमांशु और हिमानी दोनों भाई बहन जिन्होंने पहले तो अपनी माता की बात नहीं मानी, अपनी मम्मी की बात नहीं मानी और जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाए, हमेशा पिज्जा बर्गर खाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हिमांशु को लग गया चश्मा, है ना, क्योंकि उसने नहीं खाया फल सब्जियां नहीं खाई तो उसकी आईसाइट वीक हो गई। लेकिन हिमानी चूंकि फल सब्जियां खाती रही तो उसकी आईसाइट भी अच्छी रही और वो तंदुरुस्त रही। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों, हमेशा फल सब्जियां ये आपको जो है बहुत ही ताकत देती हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ाती हैं। तो इसी नोट पे आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं और होप करती हूँ कि आप लोग आज से ही, जो बच्चे नहीं खाते होंगे वो आज से ही फ्रूट्स खाना शुरू कर देंगे। वेजिटेबल्स फ्रूट्स आर ऑलवेज हेल्दी फॉर यू। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।